स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। अब इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। देखिए मैथमेटिक्स में कुछ विधि होता है, ठीक है, जो वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। वो कुछ फॉर्मूला का खोज करते हैं, ठीक है, और वो आपके मत्थे मढ़ देते हैं, यानी आपको दे देते हैं कि जाए लीजिए और इसके द्वारा बनाइए। इसी में हम लोग बहुत तरीका से उस समय से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, यानी कि पिछले एक्सरसाइज में हम लोग 3.2 तक ग्राफ खींचे हैं, ठीक है। अलग अलग विधि द्वारा यहाँ पे आप ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन दो ठो दिया है यहाँ, बताइए कि यहाँ थ्री लेसन में एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि थ्री लेसन में हमेशा दो ठो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, दो ठो समीकरण दिया रहेगा। एक समीकरण को हल कीजिए फिर दूसरे को हल कीजिए, इसमें भी वही काम करना है, लेकिन कुछ अब मेथड अलग होगा, यहाँ पे कुछ विधि अलग होगा। वो विधि होगा क्या, देखिए यहाँ पे कह रहा है सॉल्व द फ्लोइंग, यहाँ जो भी क्वेश्चन और सब भी बहुत सारा है, ठीक है, निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए। लीनियर इक्वेशन जो भी है जोड़ा में दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिए किस मेथड द्वारा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। आखिर ये प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि ए के स्थान पर ले जाके अपना नंबर फिट कर देना। मान लीजिए कि ये एक जगह है, ठीक, यहां एक आदमी बैठा है, ठीक है, दूसरा आदमी आया और ये आ करके इसको ठेल करके उधर कर दिया, यानी यू कर दिया, इसका स्थान खुद आके ले लिया। ये वाला आदमी यहाँ आ गया, ये वाला ऐसे हो गया। जैसे कि हम लोग कभी देखे होंगे ट्रेन में बिहारियों का, हम लोग बिहारियों का क्वालिटी क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ा सा सीट मांगते हैं बैठने के लिए, और बाद में धीरे धीरे धक्का देते देते उसको सीट से ही बाहर कर देते हैं, पूरा का पूरा, मतलब हम लोग हथिया लेते हैं उसको, बोलते हैं पूरा कब्जा कर लेते हैं। वही बात है प्रतिस्थापन विधि। ये आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी है, ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा और इसको हटा देगा, यानी एक के स्थान पर आके ग्रहण कर लेगा, यानी कि अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। फिर से समझिए, प्रतिस्थापन विधि यानी कि एक स्थान पर ले जाकर नंबर को फिट कर देना। ये आखिर बला क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग जल्दी समझेंगे। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण एक से लेते हैं। समीकरण एक से देखिए यहाँ एक्स का मान निकालते हैं, और जो एक्स का मान मिलेगा ना, पहला वाला में एक्स का मान निकालते हैं, जो भी एक्स का मान निकलेगा दूसरे के स्थान पर ले जाकर दूसरे में भर देंगे, यानी कि उसको स्थान पर भर देंगे, उसी को प्रतिस्थापन। जैसे कि एक्स बराबर यहाँ का होगा, तो जिस चीज़ का वैल्यू निकाला जाता है उसको अकेले छोड़ते हैं। अगर पूरे के पूरे जिंदगी में अगर आपको अपना वैल्यू बनाना है तो अकेले चलना सीखिए, अकेले रहना सीखिए, ठीक है। यहाँ अगर इसका वैल्यू निकालना है तो इसको भी अकेले होना पड़ेगा। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 14 माइनस वाई, एक्स का मान क्या निकला, यहाँ पे 14 माइनस वाई निकला। अब यही एक्स का मान जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ ले जाके स्थान पर भर देंगे, ऐसे ही विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखिए पहला वाला से हमको एक्स का मान निकला 14 माइनस वाई, अब ये एक्स जहाँ यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे फुले जाके इसको भर देंगे। यहाँ एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, अब दो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब बताइए यहाँ एक्स का मान क्या है, 14 माइनस वाई, तो एक्स जहाँ है तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके जगह पे ये भर देना है, इसके स्थान पे एक्स के स्थान पर 14 माइनस वाई ही भरना प्रतिस्थापन कहलाता है, यानी दूसरा के स्थान पर जाके कब्जा जमा लेना। बताइए एक्स का मान इससे निकले, जाके अपना वैल्यू इसमें बना रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस वाई, एक्स का मान भर दिए, और माइनस में ये हो जाएगा वाई बराबर में हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब बताइए वाई 14 हो गया, माइनस में वाई, माइनस में 2y। एक चीज आपको बता दे कि जब एक जात का होता है तो जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि माइनस दो में से माइनस तीन जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए ये तो सबसे पहले घटेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का सिंबल क्या है, एक जैसा है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दो और तीन 5, और यहाँ पे माइनस का सिंबल, यानी एक जैसा अगर चिन्ह देखे तो जोड़ेंगे। अगर हम दो और तीन जोड़ें तो ये भी हो जाएगा 5, लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दिख नहीं रहा है प्लस, लेकिन आगे छिपा रहता है। तो जब एक जैसा सिंबल दिखे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए हुआ क्या, माइनस वाई माइनस वाई माइनस में 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से y का मान निकालना है, आपको बताए थे किसी का भी वैल्यू निकालना हो, मान निकालना हो, उसको अकेले छोड़ना पड़ेगा। तो भैया अकेले छूटेगा कैसे, इसके सामने यानी साइड में जो भी नंबर है उसको बराबर के उधर ढकेल दीजिए। ये प्लस में है, देखिए ये वाला प्लस में है, ये माइनस में है, क्योंकि ये माइनस जिसके आगे रहता है वो उसका अधिकार होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में इधर बचेगा, माइनस 2y बराबर
चार प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 14, ठीक है। माइनस 2i बराबर 14 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 10, लेकिन माइनस में। ये माइनस में क्यों? क्योंकि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाते हैं, और जिसमें से घटाते हैं उसी का सिंबल रहेगा, तो बड़ा वाला में से घटाएं तो बड़ा का सिंबल माइनस था। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 पचे 10, वाई बराबर क्या आ गया 5। प्रतिस्थापन आप समझे क्या होता है, ठीक है। एक्स का एगो समीकरण से एगो का वैल्यू निकालिए, आ ये वैल्यू ले जाकर दूसरा में ले जाकर भर दीजिए, दूसरे के स्थान पर ले जाके भरना ही प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं उसको, ठीक है। y का मान निकल गया, जब y का मान निकल गया तो y का मान ले जाके इसमें भर ना दीजिए, ठीक है। इसको एक दो तो इसको तीन मान लीजिए, ठीक है। और y का मान समीकरण तीन में रखने पर, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, देखिए तीन है, x बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर यहाँ पे 14 और y का मान कितना आया है 5 आया है, तो x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9। तो देखिए तो x बराबर आया 9 और y बराबर आया 5। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन में से प्रतिस्थापन विधि। ऐसा नहीं है कि इसको दूसरे विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, या फिर इसको हम लोग बराबर करके काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप बना सकते हैं, उस विधि द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया है प्रतिस्थापन विधि तो क्या करेंगे, एक का मान निकालेंगे, यहाँ पे हमने समीकरण एक से एक लिख दिया और एक का मान एक्स का मान निकाले, अले जाके एक्स का मान दूसरा में भर के बना लिए, सॉल्व किए, तो हमारा रिजल्ट ये मिला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में प्रतिस्थापन विधि आया होगा, मजा लगा होगा, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और देखिए पढ़ाई आप लोग मन लगा के कीजिए, क्योंकि जिंदगी में सब कोई आपका साथ देगा, लेकिन काम आएगा तो सिर्फ आपका नॉलेज, यानी आप जितना पढ़ेंगे, जितना आपके पास जानकारी होगा वही आपके साथ रहेगा। कहीं भी घूमेगा तो दिमाग को रख के तो नहीं घूमेगा ना, लेकिन जिंदगी में हर चीज आपको छोड़ सकता है, आपका ज्ञान नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए फोकस ऑन योर गोल्स, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, जो लोग आपको जानते भी नहीं है वो लोग भी आपसे रिश्तेदारी निभाने आएंगे, ठीक है। इसीलिए अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब वन नंबर का ही हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको उठपटांग लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। देखिए प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको पता है, एक का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में ले जाके भर देंगे, इसी को प्रतिस्थापन, ए के स्थान पर भर देंगे वैल्यू, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। देखिए समीकरण एक इसको मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, एक वाले में से एक वैल्यू निकालते हैं, यानी कि समीकरण इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन, समीकरण एक से इंग्लिश में लिखना होगा, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन, उसके बाद से यहां लिखिएगा s माइनस t इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा s का मान निकालिए। बताए थे, अब ये मत सोचिएगा कि सर यहां पे s का मान कहां निकल पा रहा है, हर चीज दिखता नहीं है। यहां पे मान लीजिए कि s निकल गया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t। अरे नहीं आया, आया उससे मतलब नहीं है, ले जाके इसमें भर दीजिए ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। s निकल गया, अब लिखिए s का मान, इससे निकाल के इसमें भरना है, इससे निकाल के इसके, जो मन करे वो कीजिए, आसान ये है, इसलिए हम पहले से चल रहे हैं। एस का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है यहां पे देखिए, एस बट्टा तीन और प्लस टी बाई टू और प्लस इज इक्वल टू क्या है 6 है। एस का मान क्या है, एस का मान है 3 प्लस टी आया है, तो जहां एस है वहां ये ले जाके उसके स्थान पर भरिए, तभी तो प्रतिस्थापन कहलाएगा। 3 प्लस टी यही तो है, रख दिया बटा में 3 और प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। अब आपका यहां से दिमाग क्या कहेगा, क्या आपको करना चाहिए, किस टाइप का दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना कि लग रहा है कि ये बटा का जोड़ है, ऐसे ही दिख रहा है। क्योंकि इसके बाद आप उपाय क्या कीजिएगा, क्योंकि आप एक जात को एक जगह भेज भी नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक जात का है, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, इसका मतलब ये बट्टा का जोड़ की तरह दिख रहा है। अब हम लोग बट्टा का जोड़ इसको करेंगे, ठीक है। 3 और 2 का लघुत्तम एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूना 6 2 आया, 2 में ऊपर वाले से गुणा कीजिएगा, आप ऐसे कर दीजिए, अब प्लस में हो जाएगा आपका 2 3 6 3 टी हो जाएगा। अगर ये नहीं आया होगा समझ में तो ये बट्टा का जोड़ है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आना चाहिए आपको। गुणा कीजिए, जो देखिए जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है उसमें सब में गुणा होता है, तो 2 3 6 प्लस 2 टी नहीं टूटेगा, 2 टी लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो
सिक्स प्लस यहाँ हो जाएगा टू टी और थ्री टी, यानी तीन गोटी और दो गोटी, कौ गोटी पाँच गोटी, और बटा में छः इज इक्वल टू सिक्स। यहाँ आप एक काम कीजिए कि मल्टीप्लाई कीजिए, जब बीच में बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो छः में छः से तो छचा का छत्तीस हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू छः में छः से तो 36। एक जात को एक जगह, किसी का वैल्यू निकालना है तो अलग छोड़िए, अपना वैल्यू बनाना है तो अलग हो जाइए इस समाज से, तो ये प्लस में एन आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 36 माइनस छः 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, 5 से घटाइए 5 छक 30, t बराबर कितना आया 6 आया, t बराबर हमको 6 मिला। t का मान ले जाके इसमें भर, इसको मान लीजिए समीकरण 3, t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का मान समीकरण, अच्छा टी का मान ना कहीं रखिएगा तो आंसर आ जाएगा, यहाँ भी रखिएगा तभी आ जाएगा। टी का मान एक में रख दिए, टी का मान कितना है 6, तो ले जाके यहाँ 6 भरिएगा, 6 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, एस का मान 9 आ जाएगा, इसमें भरिएगा तभी भी वही होगा। टी का मान समीकरण एक में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, ठीक है। एस बराबर क्या होगा, एस बराबर दिया है 3 प्लस टी, एस बराबर 3, टी का मान कितना है 6 है, तो एस बराबर यहाँ आपको हो जाएगा, एस बराबर यहाँ पे 3 और 6 कितना होता है 9, बताइए तो यहाँ हमको मिल गया, यहाँ पे देखिए टी बराबर 6 और एस बराबर 9 हो गया, ठीक है, दोनों को जोड़े तो 9 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा। अभी और विधि है, अभी तो इसमें वज्र गुणन विधि है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं विलोपन विधि है, ये दोनों विधि पढ़ना है आपको, इसमें पूरा का पूरा 3 विधि पढ़ना है, तीनों है बहुत आसान, लेकिन देखिए एक एक करके समझते चलिए। प्रतिस्थापन किसको कहते हैं, एगो का वैल्यू निकालना है इसमें से एस का, ठीक है, और ले जाकर दूसरे के स्थान में भर देना है, जहाँ वह दूसरा समीकरण एस है वहाँ ले जाकर भर देना है, तो दूसरे स्थान बदलना प्रतिस्थापन कहलाता है, एक वो स्थान से निकालो दूसरे में ले जाकर भर दो, उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। अब बाकी आपका मेथड दिया है तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग इसी का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 एक का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 3 नंबर देखेंगे, आखिर ये क्या कह रहा है। यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि, यानी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे के स्थान पर दूसरे में ले जाके भर देना है, यानी एक के स्थान पर दूसरा कर देना है। देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे दो ठो समीकरण दिया है, समीकरण एक और समीकरण दो, ठीक है, यही बोला है सॉल्व करने को, ये जो भी लीनियर इक्वेशन दिया है ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि रैखिक का मतलब जिसका पावर एक हो। यहाँ पे देखिए तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल है चर है कुछ नहीं है, तो पावर क्या रहता है एक रहता है, इसीलिए रैखिक समीकरण है, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन में एक का मान निकालना है, तो यहाँ एक का मान हम निकालते हैं समीकरण एक द्वारा, हम पहले एक का किसी एक का मान निकालते हैं जैसे x का या फिर y का, यानी यहाँ पे एक और लिख देते हैं समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे या तो x का मान निकाले नहीं तो y का मान निकाले, x का मान निकालते हैं, यहाँ y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x माइनस 3x इज इक्वल टू या 3 या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा, 3x बराबर, ये एक काम कीजिए यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x बराबर ये दोनों के बीच में गुणा रहता है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 3 प्लस वाई बट्टा में 3, x का मान निकल गया। अब x का मान ले जाकर दूसरा में हम लोगों को भर देना है, ठीक है, इसी को तो प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। किसी एक का मान निकालिए, जैसे x का मान निकाला है, जिसका मान निकालते हैं उसको हम लोग अलग रखते ही हैं, और एक का मान निकाला x का, ये वाला x का मान जहाँ यहाँ पे x है ना, यहाँ x के जगह पे 3 प्लस वाई बट्टा 3 ले जाके भर देना है, यानी x का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, x का मान भरिए, यहाँ पहले समीकरण दो लिखिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9, 9 है तो 9 x के जगह पर भरना है, यहाँ पे 3 प्लस वाई अब बट्टा में 3, उसके बाद से यहाँ पे माइनस 3y बच गया बराबर में 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए तो 3 जाइए क्या हो जाएगा 9, 3 तरीका 9 हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 3, ब्रैकेट में बचा 3 प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे बचा माइनस में 3y,
और यहाँ इधर क्या है, इधर 9 है, समीकरण दो में क्या है इज इक्वल टू 9। गुणा कीजिए, तीन तरीका हो जाएगा 9, फिर तीन में y से तो 3y माइनस 3y बराबर 9, ये दोनों कट गया, 9 इधर बचा, 9 इधर बचा, ये क्या हुआ। यहाँ थोड़ा सा देखिए, हमको कोई मान निकलवे नहीं किया, ना x का मान निकला ना y का मान निकला, x का मतलब ये हुआ कि ना यहाँ पे x, यहाँ पे कोई x y कुछ बचवे नहीं किया। तो देखिए यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो जीरो लिखिएगा, x बराबर कुछ नहीं है तो जीरो, और y बराबर का निकला है, y का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, एक मिनट रुकिए एक मिनट, यहाँ पे हम लोग x का मान नहीं, यहाँ पे x का मान निकालें, x बराबर यहाँ पे है 3 प्लस y बट्टा में 3, और y बराबर कुछ नहीं निकला तो y बराबर आप 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं, यानी कि हमको यही मिला है। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ आप y का भी वैल्यू निकाल सकते थे, y का निकालिएगा तो ये वाला इधर आ जाता, ठीक है, या फिर अगर y का अगर निकालते तो x वाला 0 हो जाता, कोई ना कोई ये वो क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो ये भी आपका सही है। अगर आप दूसरा मेथड से बनाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप पहले निकालिए y का वैल्यू, समीकरण एक से हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3, ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है, आइए इधर लाइए 3x माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, देखिए y बराबर इस तरह भी आ जाएगा, y का मान ले जाके इसमें भरिएगा ना तभी उतना ही आएगा ये, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो x बराबर हमको ये मिला है, तो ये भी हो जाएगा आपका, जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। आप एक काम कीजिए, यही मेथड यूज कीजिए, हमको कुछ नहीं मिला किसी चीज़ का बात हुई तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ हमको x बराबर क्या मिला, यही x का आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है तो y बराबर यहाँ का लिखिएगा 0 लिखिएगा, तो हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वही क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, उसी क्वेश्चन का ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये हम बता चुके हैं क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि एक जगह से यहाँ x का मान निकालेंगे और ले जाके इस x में भर देंगे, यानी ये x कहता है कि देखो हम शहीद हो जा रहे हैं, अपना वैल्यू बना ले रहे हैं, लेकिन हमारे वैल्यू को तुम जरूर काम में लाना, ठीक है। तो अपना ये वैल्यू निकाल करके ले जाके इसमें भरवा देता है, इसी को यानी अपना स्थान दूसरे को दे देना प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, देखिए सबसे पहले ये पॉइंट में दिया है, और पॉइंट वाले नंबर को हम क्या करेंगे, पहले इसको हम भेजेंगे इधर, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको बट्टा में भेजेंगे, इस हिसाब से हमारा नंबर पॉइंट मिलेगा, उसको सॉल्व करने में परेशानी होगी, इसलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट को हटाते हैं। तो पॉइंट को हटाने के बाद आखिर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन कहीं देते 3.2 पॉइंट, आप बोले कि तनी इसको बट्टा में बदल के दिखाओ या पॉइंट हटा के दिखाओ, तो हटा दो पॉइंट, तो लेकिन हटाओगे तो कुछ तो यहां पे काम करना पड़ेगा ना। तो पॉइंट हटाते हैं तो इसके साइड में एक अंक है तो एक जीरो बैठा देते हैं, आ एक हमेशा छिपा रहता है, ये एक जो होता है ना ये छिपा रहता है, जब तक इसका साथ देने वाला कोई नीचे नंबर नहीं आएगा तब तक ये एक आता नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे ही जीरो आया एक अपने से आ गया, अगर यही 2.34 रहता है से, और फिर यहाँ पे हम पॉइंट हटाते तो कितना अंक है, एक दो अंक है, तो दो ठो जीरो होता, अगर तीन गो अंक होता तो तीन ठो जीरो होता, तब एक आ जाता, यानी कि पॉइंट हटाने के बाद ये बच गया 23, 43, अब बटा में कितना बचा 1000 बचा, ठीक है। ऐसे ही दशमलव वाला बनता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको भी हम लोग वैसे ही कहते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो, यहां लिखते हैं समीकरण एक से, तब हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में लाते हैं पॉइंट वगैरह हटा करके। देखिए समीकरण एक क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, यही है ना समीकरण एक। ये काम कीजिए, ये अंक, ये पॉइंट हटाइए तो बताइए एक अंक है पॉइंट के बाद, तो एक ठो जीरो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये हटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 10, जब ये हटाइएगा तो ये भी 10, क्योंकि एक 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 ठो अंक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कैसे कीजिएगा, जब हट जाएगा तो इसका ओरिजिनल रूप क्या बचेगा, 2x, ये जीरो लिखने से भी आगे कोई फायदा नहीं है, 2x बटा में 10 प्लस 3y बटा में 10 इज इक्वल टू 13/10, ये हमने साफ साफ लिख दिया। अब बताइए ना, ये ऐसे 2 रुपया या फिर हम लिखें ऐसे 2 रुपया, दोनों में आगे जीरो लगाने से कोनो अंतर नहीं पड़ता, ये दोनों 2 ही लिखा है, इसीलिए हम इसको सीधा सीधा लिख दिए, ठीक है। अब हम ये देखिए तो यहाँ पे क्या लग रहा है, बट्टा का जोड़ जैसा दिख रहा है, तो नीचे वाला का एलसीएम निकालेगा, तो 10 और 10 का एलसीएम वही बट्टा का जोड़ कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13/10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। अब यहीं पे हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं x का मान, समीकरण अभी एक हम सॉल्व किए हैं,
यहाँ पे कौन सा सॉल्व किए हैं, समीकरण एक को सॉल्व किए हैं तो मेन इक्वेशन मिला, जीरो वगैरह को हमने हटा दिया। वैसे ही समीकरण दो को सॉल्व करेंगे तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम 10 होगा, सेम जैसे ये किए हैं वैसे ही होगा। लेकिन देखिए प्रतिस्थापन का बात है तो पहले यहाँ एक्स का मान निकाल के इसको भी हम लोग बट्टा में बदल करके फिर ले जाके एक्स का मान भरेंगे। देखिए कैसे, एक्स का मान निकालिए, तो पहले x का मान निकालिए, तो x कहता है कि देखिए हम अकेले होंगे, देखिए किसी से आप डायरेक्ट दूरी मत बनाइएगा, बेचारे को तकलीफ होता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कीजिए, पहले धीरे धीरे अपने आपके पास जो भी लोग हैं दूरी बनाइए। सबसे पहले x क्या करता है, कहता है थ्री वाई से कि देख भाई तू बहुत दूर है, तू इस इधर चला जा, हमको अपना वैल्यू बनाना है, ठीक है, हमको अपना वैल्यू बनाना है, कुछ बहुत आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले थ्री वाई को इधर भेज देता है, ठीक है, टू ए, अभी टू को नहीं भेजेगा क्योंकि ये बहुत करीब है, और करीबी आदमी को दूर करने से थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ टू एक्स बराबर ये तेरह, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तेरह माइनस क्या हो गया यहाँ पे थ्री वाई हो गया। अब ये एक्स को, एक्स कहता है दोस्त से कि तुम भी चले जाओ इधर, ठीक है, हमको अकेले छोड़ दो, हम अकेले रहना चाहते हैं। तो एक्स बराबर ये दो है इधर आ जाएगा, तो तेरह माइनस थ्री वाई, अब बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे टू हो जाएगा, एक्स का मान निकल गया। अब आते हैं हम समीकरण दो, अभी ये समीकरण एक का काम किए हैं, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है 0.4x, पॉइंट का झंझट खत्म करेंगे तभी कुछ होगा, ये भूखिया बहुत परेशान करता है पॉइंट, ठीक है। अब यहां देखिए बाबू, इसको हटाएंगे जब हम लोग तो एक अंक है तो एक नीचे, इसको भी हटाएंगे तो एक दस वाई यहां पर छूट गया, यहां पर भी हो जाएगा दस, जब दस होगा तो थोड़ा साफ साफ लिख दो, डायरेक्ट 4x लिखो, जीरो का वैल्यू मत दो, प्लस 5y, और ये बराबर में 23 बट्टा 10 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो होगा 10, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10, 10 से 10 खत्म, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। समीकरण मान लीजिए आपने क्या किया, समीकरण इसको एक माने, इसको दो है, ठीक है, आ ये वाला जो एक और दो हो गया, इससे जो समीकरण बना इसको मान लीजिए तीन, आ ये जो समीकरण बना इसको मान लीजिएगा चार। अब इन दोनों को भूल जाइए आप, ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिनल रूप यहाँ पे आ चुका है बिना पॉइंट वाला, ठीक है। देखिए इधर का दो पॉइंट मिल करके इस पॉइंट को हटाया तो वही बचा है, ये वाला बचा है और इससे ये बचा है। अब आप काम कीजिए, एक्स का मान ले जाके चार में भर दीजिए, इसमें एक्स का मान निकला है, यानी इससे निकला है एक्स का मान, ई बोलता है एक्स की मेरा जाके दूसरे में भर दो, तो उसका मतलब हो जाता है प्रतिस्थापन। तो चार यहाँ पे लिख दीजिए, एक्स का मान समीकरण चार में रखने पर, ठीक है, एक्स का मान यानी फोर, एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान है तेरह माइनस थ्री वाई, ठीक है, अब बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा आपका तेरह माइनस थ्री वाई बट्टा टू, अब प्लस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका प्लस में है पाँच वाई बराबर में 23, आपका यही क्वेश्चन है। देखिए ये आपका आया था तेरह, यहाँ पे तेरह बट्टा, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे दो दूना कितना हो जाएगा चार, गुणा कीजिए इससे, तेरह दूना 26 माइनस दो तिया 6y, अब प्लस में 5y बराबर में हो जाएगा 23, ठीक है, दो यहाँ पे आया, दो दूना चार, इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिए e वाला माइनस में 6y और माइनस में प्लस में 5y घट जाएगा, तो 26 माइनस में वाई अब बराबर में हो जाएगा ये 23। एक जात को एक जगह कीजिए, एक जात को मतलब कि ये 26 प्लस में है, नंबर को नंबर के पास भेजिए, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये बच जाएगा माइनस में अकेले वाई इज इक्वल टू 23 और ये हो जाएगा 26। 26 में से 23 जाएगा तो माइनस में तीन बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला में से घटा है, अब बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर बचा तीन। जब वाई बराबर तीन बचा तो वाई का मान ले जाकर समीकरण तीन या चार किसी में भर दीजिए, वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, वाई क्या है, तो वाई का मान यहाँ पे आपका समीकरण तीन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है, 2x प्लस y का वैल्यू क्या है, 3 लिख दीजिए, y बराबर 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, बराबर में आपका हो जाएगा 13, 2x प्लस 3 तरीका हो जाएगा ये 9 बराबर में हो गया 13, 2x ये प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में 13 माइनस 9, 2x बराबर 13 में से 9 जाए, तीन तरीका 9, 13 में से 9 जाएगा, बचेगा ये आपका 4,
ये कटाना है तो यहीं से कटा दीजिए, दो दूना चार, एक्स बराबर कितना आया, दो आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कैसा है, ये रूट वाला है, लेकिन रूट वाला देख के घबरा नहीं। अभी तक के मामला में अगर बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होता है, रूट देखे पहले ही चक्कर खाने लगता है, यानी कि रूट उनको बहुत ही आफत लगता है। तो रूट को आफत यहाँ नहीं समझना है, यहाँ रूट देखिए जिस चीज़ से आपको डर लगता है ठीक है उसी से लड़ना सीखिए, तभी आप जाकर के कुछ आगे करेंगे। यहाँ अगर क्वेश्चन रूट से आपको डर लग रहा है, रूट वाला ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, बनेगा कैसे नहीं देखते हैं ठीक है। देखिए इन कितना समस्या कितना भी बड़ा हो आपसे तो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप हैं तभी तो समस्या आ रहा है। तो जब तक हैं तब तक लड़ेंगे और समाधान करेंगे, ये जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। हम लोग यही काम करेंगे, इस रूट है ना, रूट को यूं है एकदम इसको क्या दौड़ा के मारेंगे। देखिए समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2 मानिए, समीकरण 1 से पहले 1 को उठाइए, हमको कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है यानी प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो यहां x का मान निकालना है, जो भी मान है इस x में ले जाके भर देना है, उस स्थान पे भर देना है, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या लिखा है, आराम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हबड़ाना नहीं है ठीक है, समझना है। x का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना है उसको अलग छाटिए, यहीं पर रख दीजिए। तो देखिए x बहुत ही समझदार होता है, ये कहता है कि पहले धीरे धीरे हम हटाएंगे, किसी को धीरे धीरे तकलीफ दोगे तो लगे कि हाँ मतलब स्वीट पॉइजन समझते हैं ना, वैसे ही करना है। धीरे धीरे इसको दूर कीजिए, पहले इसको दूर कीजिए जो x से ज़्यादा दूर है, पहले उसको दूर, धीरे से y को भी दूर कर देंगे, x अकेले हो जाएगा, यानी रूट 2x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस देखो जीरो माइनस होगा 3y, लेकिन एक चीज़ याद है जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए इसको हटा ही दीजिए, आपके पास मात्र माइनस 3y है। अब x का मान निकालना है तो रूट 2 को भेजिए, x बराबर हो जाएगा 3y माइनस में या बट्टा में रूट 2 हो जाएगा, x का मान निकल गया। ये x का मान ले जाके भर देना है दूसरे में, घबराना नहीं है क्योंकि रूट वाला आएगा तो परेशानी बढ़ेगा ठीक है, लेकिन परेशानी नहीं होना है, हमें तो उसी परेशानियों का समाधान करना है ना। यहाँ देखिए x का मान ले जाके 2 में भरेंगे, इससे निकालें इसमें भरें ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, x का मान समीकरण 2 क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर में 0, रूट 3 x का मान है ना भरना है, काहे घबरा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा रहता है, गुणा नहीं ब्रैकेट डाल देते हैं, दोनों बात एक ही है, ब्रैकेट भी हटता है तो गुणा आता है, माइनस में रूट 3y। ये देखिएगा, ये मत समझिएगा कि ये वाला ऐसे लिखा है रूट 3 माइनस रूट 3y, ये माइनस में दोनों नहीं है ठीक है, ये मत सोचिएगा बीच में गुणा, ये सिर्फ माइनस में है, इस पर सिर्फ माइनस का है, ये दोनों ओरिजिनल रूप से ये गुणा में ही है, बस अंतर है कि ये माइनस में ये वाला हो गया है ठीक है, ये माइनस में ये हो जाएगा आपका रूट में माइनस, अब बटा में क्या है रूट 2, और ये हो जाएगा माइनस में आपका जो बच गया वो लिख दीजिए, क्या लिखे समझ में आए, रूट 3 लिख दिए, x का मान ये वाला था, ये रूट x के जगह पे भर दिया, माइनस था तो माइनस यहाँ पे, 8y था रूट 8y बराबर में 0 कर दिए ठीक है। अब एक काम कर, ये दोनों को गुणा कीजिए, यहाँ पे बताए थे कि दोनों के बीच में गुणा होता है, रूट 3 में 1 से गुणा, तो इसमें इसमें गुणा होगा, तो रूट 3 में रूट 3 से जब गुणा होता है, ध्यान से देखिएगा, रूट 3 में रूट 3 से, तो 3 तरीका हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 ठीक है, यानी डायरेक्ट यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणा करने के बाद से माइनस में 3, ये माइनस है और ये 3y बटा में यहाँ पे क्या हो गया रूट 2, और माइनस में रूट 8 बट 8y बराबर में 0 ठीक है। यहाँ देखिए तो ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला जो कंडीशन आपको दिख रहा है ये वाला ठीक है, ये कैसे दिख रहा है, बटा के जोड़ जैसे, अगर बटा के घटाओ जैसा, देखिए तो माइनस 3y बटा में रूट 2 और रूट 8y बटा में 1 मान लिए, ये एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, ये बटा में ही दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा दें हम, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ 2 है ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ हम लोग बटा का जोड़ करते हैं, बटा का जोड़ कैसे करेंगे, यहाँ पे साफ साफ यहाँ लिखिए माइनस 3y बटा में रूट 2 और माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0 बटा 1 मानिए, इसका एलसीएम लीजिएगा लघुत्तम तो हो जाएगा रूट 2, आइए गुणा करने के बाद माइनस 3y माइनस, इसमें हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 8
वाई। कैसे? जब इसमें भाग करेंगे तो भाग तो लगेगा, तो ये रूट टू ही होगा, रूट टू जो बचता है ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, ठीक है, बराबर में जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा आप कर सकते हैं। तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो जीरो में किसी भी चीज़ से गुणा कीजिए वो तो अपने जैसा बना देगा जीरो, तो ये जीरो में इससे गुणा हुआ तो ये तो जीरो हो गया। इधर बचा थ्री वाई और माइनस दो में आठ से, तो आठ दूना सोलह, रूट में सोलह वाई, आई तो जीरो हो जाएगा। बटा टू कहाँ गया? तो बटा रूट टू यहाँ पे चला गया, इधर गुणा हुआ तो जीरो में गुणा हुआ तो जीरो बना दिया। अब ये लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखिएगा तो फिर गुणा करने के बाद जीरो ही लिखिए, एक ही बार खत्म कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, अब माइनस थ्री वाई और माइनस सोलह का वर्गमूल चार होता है, ठीक है। रूट से निकालने को बताए थे कि एक ही जैसा दो ठो नंबर होगा तो एक बाहर निकल जाता है, तो जब आप 16 को लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू फोर, अब 4 दो बार है तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म, तो बचेगा 4। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जा करके अगर टेंथ में पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा इसका प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, उसको जाके एक एक वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका समझ में आया। अगला आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका टारगेट करके पढ़ाई कीजिए, आपको 95 प्लस ले करके याना है, और यहीं से आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में डाउट पूरा का पूरा आउट हो जाएगा, ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, 16 का वर्गमूल कितना है 4y, ठीक है, और बराबर में हो गया 0। ये इधर हम भेज दें, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, माइनस 3y बराबर प्लस में y हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए तो नहीं, तो एक काम कीजिए ऐसे रखिए इसको, इधर जब एक जात का है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस में 7y बराबर में 0, इसको बट्टा में भेजिए तो y बराबर हो जाएगा 0 बट्टा 7, 0 में भाग दीजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 ही होगा, 0 में गुणा कीजिए या भाग दीजिए सब हो जाता है 0। अब हमको बताइए जब y बराबर 0 तो y का मान कहीं ले जाकर भरिए, भरना कहाँ है, समीकरण एक में भर दीजिए, कहाँ है समीकरण एक, यहाँ पे है, ठीक है, तो y का मान ले जाकर भरिए, y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, ये समझ आए यहाँ पे हम कैसे बनाए। यहाँ पे देखिए हम क्या किए कि इसका वर्गमूल 16 का 4 होता है तो 4y हो गया, 4 और 3 7y, अब 7 को हम इधर भेज दिए बट्टा में, तो जब बट्टा में भेजे तो 0 से, जब 7 में 0 से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाता है, 0 y बराबर 0। y का मान अब ले जाके भर दे रहे हैं एक या दो में, एक में ही भरते हैं, एक क्या है, एक है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, रूट टू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री, वाई का मान जीरो आया है भर दीजिए जीरो, बराबर में जीरो, रूट टू एक्स जीरो में गुणा होगा तो ये जीरो, इसका कहानी खत्म हो जाएगा, अब जीरो से गुणा होगा खत्म हो गया बट्टा में, तो एक्स का मान निकलना है तो दो को हटाना पड़ेगा, दो है इसके बीच में गुणा छिपा रहता है इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा जीरो बट्टा रूट टू, तो एक्स बराबर भाग देने पर क्या होगा जीरो हो जाएगा, यानी एक्स बराबर भी जीरो और वाई बराबर भी जीरो ही आया। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको जो क्वेश्चन में डाउट है आपको बहुत ही आसान तरीका से हम समझाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर मैथमेटिक्स से डर लगता है तो यहाँ आने के बाद समझिए कि आप बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़े हैं, ठीक है। अब ये गाड़ी वहीं रुकेगी जब जहाँ आपका गंतव्य होगा, लास्ट आपका छोर होगा, ठीक है, एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, अगर कोई भी डाउट है तो उसको चुटकियों में हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आखिर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बटा में है तो बटा को हटाइए, अगर इससे भी ऐसे भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहां पर सबसे पहले यहां पर 1 लिखा है और समीकरण यहां 2 है, इसको बट्टा में हटाने के लिए बट्टा का घटाव करें, अपने से हट जाएगा, देखें यहाँ पे कैसे, ठीक है, यहाँ पे हम यहीं पे इसको बनाते हैं, ठीक है। समीकरण एक है 3x, इसका एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा, 3 दूना आपका हो जाएगा 6, ठीक है, जब ये 6 हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 3 3 9x माइनस 3 2 6 2 और 2 5 2 10 y, ये कैसे आया, इसका एलसीएम लिए 6 आया, उसके बाद से इसको भाग दिए जो बचा उसमें गुणा हुआ, फिर 3 2 6 5 2 10 बराबर में माइनस में 2, सॉल्व कीजिए इसको, 9x माइनस 10y, जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा होता है, 6 दूना हो जाएगा आपका 12, समीकरण आपका क्या हो गया e1 मानिए, अच्छा रहेगा थोड़ा सा बनाने में अच्छा लगता है सर, इससे देखिए अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड कीजिएगा तो 3 2 6 2 2x प्लस 2 3 6 3y बराबर में ये 13 बट्टा 6,
सिक्स से सिक्स कट जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 13, समीकरण ये हो जाएगा आपका 2। अब ये आपका लग रहा है ना ओरिजिनल समीकरण, ठीक है, बताइए इससे ऐसे ऐसे सब दे दिया था समीकरण। देखिए समीकरण एक भी मिल गया और समीकरण दो भी मिल गया। अब हमको यूज करना है क्या सा प्रतिस्थापन विधि, यहां से x का मान निकालिए इसमें भरिए, या फिर यहां से x का मान निकालिए इसमें भरिए, जो आपको अच्छा लगे। हम फिर इससे चलते हैं, इसे दोनों में से किसी से चल सकते हैं। यहां देखिए हम यहां से समीकरण एक से लेते हैं, हम समीकरण एक से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। क्या करेंगे यहां पे हम लोग, यहां पे कैसे बनाएंगे, देखिए पहला इक्वेशन है x का मान निकालिए, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा माइनस 12 और प्लस में 10y। x का मान निकालना है तो 9 को भी धीरे धीरे से खसका दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12 और प्लस 10y अब बटा में 9। x का मान निकल गया, x का मान जब निकल गया तो देखिए पहला इक्वेशन से हमको x का मान निकलेगा, और ये जो x का मान निकल ले जाकर दूसरा में फिट कर देना है, दूसरे के स्थान पर भर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण दो में रखने पर, दो क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आया है यहाँ पे 2x का मान भर रहे हैं, माइनस 12 प्लस 10y बटा में 9 और ये प्लस में 3y बटा में ये इक्वल टू में 13 है। ये वाला हम उतार दिए हैं, दो उतार दिए हैं, x का मान सिर्फ ये भर दिए हैं, गुणा कीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20 बटा में क्या है 9 प्लस में क्या है 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लग रहा है आपको, ये 3y है बट्टा में 1 मानिए, इसका बट्टा का जोड़ कीजिए, इसका LCM हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस में यहाँ पे 20y होगा, 20y अब प्लस में हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 9 9 3 27y, ठीक है, और बराबर में ये हो जाएगा 13। यहाँ देखिए अब जब बीच में बराबर हो तिरछा तिरछी गुणा। एक चीज और, आप इससे डायरेक्ट तिरछा तिरछी गुणा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, कभी जाने ही नहीं देगा प्लस और माइनस, कभी इधर देखो कभी भी दो हिस्सा में प्लस और माइनस ही तोड़ता है। आपसे हम बोले कि 4/2, 2/3 और ये 2/3, ये कितना हिस्सा में है, तो ये मत कहिए कि एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, ऐसा कुछ नहीं, ये तीन हिस्सा में नहीं है, ये दो ही हिस्सा में है। देखिए कभी भी बांटने का काम प्लस और माइनस करता है, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों एक ही में है। गुणा तो बेचारा कहता है कि कोई भी हो हम उसके साथ रह लेंगे, कैसे, मान लीजिए कि 2 में x से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2x हो जाता है, लेकिन वही 2 प्लस x कभी जुटेगा ही नहीं, ये जुटता ही नहीं है, तो x गुणा कहता है कि हमारा कोई भी हो हमारे साथ गुणा हो सकता है, लेकिन प्लस यहाँ पे माइनस भी रहेगा तो ये ना जुटेगा ना घटेगा, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हिस्सा ये है, ये गुणा हो सकता है, ठीक है, ये दूसरा हिस्सा है, ये चीज याद रखिएगा। और कभी भी इधर से हम लोग कटा सकते हैं 2 2 4, लेकिन ये 2 से इधर नहीं कटा सकते हैं, इससे हम लोग ये नहीं कटा सकते हैं, क्योंकि ये दो घर हैं, ठीक है, एक ये घर है और एक ये, बंटवारा हो चुका है, इसका काम कौन किया है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस बराबर बंटवारा का काम कौन करता है, आपको पता है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो प्लस और माइनस उसी का काम करता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब हम लोगों को करना क्या है, सॉल्व कीजिए इसको, माइनस 24 24 20 और 27 कितना होता है, तो 20 20 40 और 47 हो जाएगा 47y और बटा में हो जाएगा 9 इज इक्वल टू यहाँ पे है 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 13 9 117, माइनस में हो जाएगा आपका 24 प्लस 47y और बराबर में 13 9 117। अब देखिए यहाँ पे ये हमको मिला, अब नंबर को नंबर, y का मान निकालना है, नंबर को नंबर के पास भेजिए, ये किस में है आपका है माइनस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, इधर बचेगा आपका 47y बराबर 117 प्लस 24, 47y बराबर जोड़िएगा तो 7 और 4 कितना होता है, 7 4 हो जाएगा आपका 11 के एक हाथ में, 1 2 1 3 और 1 4 1 हो जाएगा, y बराबर ये बटा में आ जाएगा 141 और बटा में हो जाएगा 47, कटाइएगा इसको तो ये आपको कटेगा 7 47 तिहाई
141 होता है, वाई बराबर हो जाएगा 3। देखिए तो वाई का मान आपका निकल गया। अब निकल गया तो ले जाके कहीं भर दीजिए। एक काम कीजिए, बताएं आप कहाँ भरिएगा, इसमें भरिएगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसको समीकरण मानना है तो मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप 1, 2, तो इसको मान लीजिए 3। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर वाई का, देखिए इसमें भी रखिएगा, इसमें भी रखिएगा, इसमें रखिएगा, इसमें कौनों में रखिएगा, आंसर तो आना ही है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा आसान जो दिखता है उसमें करते हैं। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, एक्स बराबर क्या दिया है, मैं हम लोगों को एक्स का मान निकालना है, तो वाई निकल गया तो ये भरेंगे तभी तो निकलेगा 10 वाई। देखिए एक्स बराबर है -12, 10, और वाई के जगह पर 3 भरना, क्या भरना 3, अब बट्टा में हो जाएगा 9। एक्स बराबर यहाँ देखिए 12, 10 यहीं हो जाएगा ये 30, अब बट्टा में 9, 30 में से ये 12 जाएगा। देखिए ये घटेगा, जुटेगा नहीं, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। हम बता चुके हैं कि कब जोड़ा जाता है कब घटाया जाता है, जब दोनों एक जैसा सिंबल रहता ना, ये चिन्ह प्लस प्लस रहता तो जोड़ते हैं, या फिर माइनस माइनस भी रहता ना तो इसको भी जोड़ेंगे, सिंबल सेम होगा, लेकिन ये सिंबल सेम नहीं है तो घटाएंगे। तो 30 में से 12 जाएगा, तो 30 में से 12 जाएगा आपका हो जाएगा 18, अब बटा में हो जाएगा 9, 9 दूना 18, एक्स बराबर का आया 2 आया। देखिए वाई बराबर आया आपका 3 और एक्स बराबर आपका आया 2। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अगर बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मेथड आपको देखिए प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, और ये विधि कुछ भारी है नहीं। अभी आपको 2 विधि और पढ़ना है इसके कंप्लीट होने के बाद, वो भी आसान है, उसका तो बेहतरीन ट्रिक है। तो इससे जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर हम लोग देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, देखिए बहुत ही आसान है। आप शुरू से ही 2 समीकरण देख रहे हैं क्योंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो देखिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ तो 2 दिया है, तो दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो चुपचाप से वो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे यानी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें काम बढ़ा दिया है, ठीक है, अगर सब कुछ आपके पास दे दिया जाए, अगर चावल दे दिया जाए, दाल दे दिया जाए, उसको अब बना के आपको उसके बाद से दोनों समीकरण जिस तरह दे दिया जाए और उसको बनाने आपको आता है, तो आप चावल दाल बना लेंगे, तो आपको खाना सिखाना पड़ेगा, बस चावल है मारना शुरू कर दीजिए। वही तो काम यहाँ पे करना है। देखिए ये दे दिया गया है, सबसे पहले आप 2 समीकरण बना दीजिए, उसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा सा काम कर देना है। कह रहा है कि इसमें एम का मान निकालिए, ये जो दिया है एम का मान, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले x का मान निकलेगा, y का मान, जब दोनों मान निकलेगा ले जाके इसमें भर दीजिएगा x का मान और y का मान। तो देखिए यहां भी भर दीजिए, यहां भर दीजिए, ये तो है ही, तो खाली क्या बच जाएगा m, तो जो बच जाएगा वो m का मान निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग समीकरण को हल करते हैं, डरना नहीं है, आसान है बहुत। देखिए समीकरण 1 क्या है, सिंपल, ये तो ऐसे ही कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = 24। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 को सॉल्व करें प्रतिस्थापन विधि से, तो x का मान निकलेगा, और जो x का मान निकलेगा वो यहाँ ले जाके भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, 2x + 3y = 11। x का मान निकालना है तो सबसे पहले x का मान निकालना है, तो x को अकेले करना पड़ेगा, 3y को पहले इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 11 माइनस में 3y, अब बट्टा में बाद में भेज दिए, x अकेले बच गया, x का मान निकल गया। अभी ये x का मान नहीं है, जब तक ये x अकेले नहीं होगा मान नहीं निकलेगा। जब x का मान निकल गया, समीकरण 1 से बनाए तो x का मान निकला। अब इस x के मान को 2 में भर देना है, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो x क्या है, यहाँ पे 2 पर 2x - 4y = -24। 2 x क्या है, x ये है, तो यहाँ पे x के जगह पे ब्रैकेट डालिए, लिखिए 11 - 3y अब बटा में 2 - 4y = -24। 2 से 2 आपका हिसाब किताब ख़त्म, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बचा, 11 - 3y बचा और माइनस में 4y बचा,
बराबर में है -24। नंबर को नंबर के पास भेजिए, इसमें कौन नंबर है 11 है, इसके पास भेजिए, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 4 और 3 माइनस में 7y बराबर -24 और माइनस में 11। -7y बराबर 4 × 1 = 5, 2 × 1 = 3 माइनस में, माइनस से माइनस करता हूँ, 7 × 5 = 35, वाई बराबर 5। जब y बराबर 5 है तो y का मान ले जाके भर दीजिए, y का मान इसको 2 और इसको 3 मान लीजिए, y का मान 3 में भरिए, y का मान इसमें भी भरिएगा, दोनों में किसी में भरिएगा तो आ जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है x माइनस, देखिए हम इसको बाद में 3 माने हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 बटा में 2, x बराबर 11, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 5 आया है 11 माइनस 3y, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, अब बटा में ये हो जाएगा आपका 2, जब इसको घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 4, अब बटा में तो 2 × 4, x बराबर हो गया माइनस में 2, आपका x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। अब हमको मानना इसका, इसमें m का मान निकालना है, यहाँ बोला है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये दिया है, समीकरण लिखिए m का मान निकालिए कैसे, y बराबर लिखा है mx प्लस में 3, जो जो मान दिया है, y कितना दिया है 5 भर दीजिए इज इक्वल टू m, x कितना दिया है, x दिया है माइनस में 2 और प्लस में 3, एक जात को एक जगह कीजिए, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, 5 − 3 यहाँ पे हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो -2m, 5 में से 2 जाएगा हो जाएगा आपका 2 − 2m, ठीक है, ये कटाइए 2 × 1 = 2, m बराबर ये माइनस इधर लिखेगा माइनस में 1। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद।